हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। देश में सामने आए कोविड-19 के 42,618 नए मामले, इनमें से करीब 69% केरल में दर्ज। जी हाँ, आपको बता दें कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 42,618 नए मामले सामने आए और इस दौरान 330 लोगों की जान गई। गौरतलब है कि केरल में कोविड-19 के 29,322 नए मामले दर्ज हुए हैं, जो कि कुल मामलों का करीब 69% है। वहीं देश में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 405,681 हो गई है। यूपी के सीएमओ ने कहा, 24 जिलों में नहीं है कोविड-19 का एक भी सक्रिय केस, शेयर की सूची। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि राज्य के 24 जिलों में कोविड-19 का एक भी सक्रिय मामला नहीं है। सीएमओ के अनुसार ये जिले अलीगढ़, अमेठी, अमरोहा, अयोध्या, बागपत, बलिया, बांदा, बस्ती, बिजनौर, चित्रकूट, देवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, ललितपुर, महोबा, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, शामली और सीतापुर हैं। तो वहीं लखनऊ में सर्वाधिक 28 केस हैं। केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा एकल माँ के बच्चों से न मांगा जाए पिता का विवरण। जी हां, आपको बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो अविवाहित या एकल मां के बच्चों के जन्म पंजीयन के लिए अलग फॉर्म जारी करे। सुविधा उन बच्चों को मिलेगी जो सहायक प्रजनन तकनीक के जरिए जन्मे हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे बच्चों के जन्म पंजीयन फॉर्म में पिता का विवरण न मांगा जाए। कोर्ट का ये फैसला एकल माँ के आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम है। अप्रैल जून तिमाही में 30.74 करोड़ लोगों को मिली नौकरी, एसबीआई की रिपोर्ट में दावा। जी हां, आपको बता दें कि एसबीआई की हालिया रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि अप्रैल जून तिमाही में कुल 30,74,00,000 लोगों को नौकरी मिली है। इसमें 16,30,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने करियर में पहली नौकरी हासिल की है। अगर अर्थव्यवस्था में तेजी का यही रुख रहा तो इस साल वित्त वर्ष 2021-22 में 50,00,000 से ज़्यादा पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को जॉब्स में अवसर मिल सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, वैज्ञानिकों का मानना, गाय एकमात्र जानवर जो ऑक्सीजन लेती और छोड़ती है। जी हां, आपको बता दें कि गाय को भारत माता का राष्ट्रीय पशु घोषित करने को लेकर इस हफ्ते की शुरुआत में सुर्खियां बटोरने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने इसी क्रम में कहा कि वैज्ञानिकों का मानना है कि गाय ही एकमात्र ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन लेती और छोड़ती है। तो वहीं भगवान बुद्ध गायों को मनुष्य का मित्र बताया है। जयपुर का हवा महल और आमेर का किला भी जल्द बेचेगी बीजेपी सरकार। जी हां, केंद्र सरकार पर सीधा हमला करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर मुद्रीकरण योजनाओं के नाम पर देश को बेचने का आरोप लगाया और चुनौती दी कि अगर भाजपा को नहीं रोका गया तो वह जल्द ही जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल और आमेर का किला भी बेच देगी। 12 उच्च न्यायालयों में सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है 68 नए जजों की नियुक्ति। जी हां, 25 अगस्त और 1 सितंबर को हुई अपनी बैठकों में भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद, राजस्थान और कलकत्ता सहित 12 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की भारी कमी के चलते न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए गए एक बार में 68 नामों की सिफारिश की है। पिस्टल शूटिंग में मनीष नरवाल ने जीता गोल्ड, सिंहराज लाए रजत। जी हां, भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 स्पर्धा में एक ऐतिहासिक डबल पोडियम फिनिश हासिल किया है, क्योंकि किशोर मनीष नरवाल ने स्वर्ण पदक जीता है और इसी के साथ ही अनुभवी सिंहराज अधाना ने रजत पदक अपने नाम किया है। नरवाल 218.2 के समग्र स्कोर के साथ सिंहराज 216.7 से आगे रहे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने दोनों को अभूतपूर्व उपलब्धि पर बधाई दी है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।